नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज दी पब्लिक में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड के अंदर सियासी महासंग्राम जारी है। झारखंड में महाराष्ट्र वाला डर सता रहा है कांग्रेस के नेताओं को, क्योंकि बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के काफी एमएलए आ चुके हैं। सीएम सोरेन की विधायकी पर आज नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है। झारखंड में महागठबंधन को हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी को खरीद प्रोकत का टाइम मिल जाए, इसलिए राज्यपाल देरी कर रहे हैं, महागठबंधन का ऐसा मानना है। आपको बता दें कि झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच महागठबंधन की सरकार अब राज्यपाल पर नोटिफिकेशन जारी करने का दबाव बनाने लगी है। महागठबंधन के विधायकों ने आरोप लगाया कि राज्यपाल नोटिफिकेशन जारी करवाने में जानबूझकर देरी कर रहे हैं, ताकि बीजेपी को हॉर्स ट्रेडिंग करने का टाइम मिल जाए। आपको बता दें कि कांग्रेस के कई एमएलए अभी भी बीजेपी के संपर्क में हैं। झारखंड कांग्रेस के एक बड़े नेता ने नाम नहीं छपाने की शर्त पर बताया कि इसकी पूरी जानकारी राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को है। अपने विधायकों को एकजुट करने की कोशिश में जुटी हुई है पार्टियां। आपको बता दें कि अविनाश पांडे पिछले दो दिनों से झारखंड में डेरा डाले हुए हैं और विधायकों से 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन को भी इस बात का डर है कि बीजेपी राज्य में सरकार गिराने के लिए कोई बड़ी चाल चल सकती है। यही कारण है कि विधायकों को कभी डिनर तो कभी सियासी पिकनिक पर लेकर निकल रहे हैं। वह यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार सब ऑल इज वेल है। सोरेन की विधायकी पर आज नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। नोटिफिकेशन जारी की संभावनाएं बताई जा रही है। यह पिकनिक काफ़ी दिनों से चल रही है और कितने दिन तक चलेगी इस बात को लेकर अभी तक कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि उनके छोटे भाई बसंत सोरेन की विधायकी को लेकर फैसला आज चुनाव आयोग की तरफ से सुनाया जाएगा। इसकी सुनवाई लगभग पूरी कर ली गई है। अब माना जा रहा है कि दोनों भाइयों की सदस्यता पर फैसला एक साथ सुनाया जा सकता है। गठबंधन सरकार पर अभी संकट है। कुल सीटें 81 है, बहुमत 42 है और इसी बीच भाजपा यहां पर अपनी सरकार बना सकती है। झारखंड सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि रोज रोज घुटघुट कर मरने से अच्छा है शेर की तरह मरना। बीजेपी पर भी 30 को बाबूलाल मरांडी की जा सकती विधायकी। 7 विधायकों की विधायकी पर खतरा लगा हुआ है, इनमें 6 यूपीए के हैं और इसको लेकर हेमंत सोरेन का राजनीतिक सफर आप देख सकते हैं। सीएम ने एक बार फिर से आदिवासी कार्ड खोए खेला है। पुराने खिलाड़ी को लेकर आगे आ रहे हैं। सीएम की रेस में कल्पना सोरेन का नाम सबसे आगे लिया जा रहा है। यह थी आज की विशेष और बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा दी पब्लिक न्यूज के साथ, बने रहिएगा। जय हिंद। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।